नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिमल उमराव और आज मैं आप लोगों को गेहूं के भूसे की सानी बनाना बताऊंगा। हरे चारे और गेहूं के भूसे की कैसे मिक्स सानी बनाते हैं। यदि आपकी बकरी भी गेहूं का भूसा नहीं खाती, आप गेहूं के भूसे की सानी बनाते हो, आटा वगैरह लगा के सारा चीज़ बनाते हो, चूनी चोकर और बकरियों को डालते हो तो नहीं खाती हैं, तो आपको क्या करना है, इसमें हरा चारा ऐड करना है। तो यहाँ पर मैंने एक टब जो है गेहूं का भूसा लिया है, जब इसमें हम पानी वगैरह मिलाएंगे तो ये लगभग 2 टब हो जाएगा और 2 टब हमारा हरा चारा हो जाता है, तो 4 टब हो जाता है। इस टब जो है इसी टब में बना लेता था, बहुत सारे वीडियो आपने पहले देखे होंगे कि इतने टब में हम सानी बना के हो जाता था, लेकिन अब नहीं होता है, अब हमको 4 टब ये सानी बनानी पड़ती है इसमें। और कितनी बकरियों खिलाते हैं, 40 बकरियों, तो दिख बहुत सारे भाई क्या करते हैं कि गेहूं के भूसे को धुलते हैं, ठीक है। यदि मिट्टी वगैरह है तो आप धुल सकते हो, धुल के निकाल के फिर उस तरह से सानी बना सकते हो, थोड़ा सा टाइम बढ़ जाता है, उसमें मेहनत बढ़ जाती है। यहाँ पर हमने क्या किया है, हमारा भूसा जो है साफ है, इसमें कोई भी मिट्टी वगैरह नहीं है, हमने पानी लिया है और पानी इसमें डाल देंगे। एक काम आप इसमें और कर सकते हो, तो आप यदि और अच्छी डाइट देना चाहते हो तो इसमें आप सरसों की खली या कोई भी खली जो पशु आहार आते हैं वो मिला सकते हो, मिक्स कर सकते हो, मिक्स करने के बाद खिला सकते हो। चूंकि इस समय हमारे पास उड़द मूंग का दलहनी भूसा बहुत है, तो ये रीजन है कि अभी हम इसमें खली यूज नहीं कर रहे हैं। क्योंकि खली क्यों यूज करते हैं, प्रोटीन के लिए यूज करते हैं, और जब हमारे पास दलहनी चारे होते हैं तो भरपूर प्रोटीन जो है बकरियों को मिल जाता है, तो इसलिए हम इसमें अभी खली यूज नहीं किए हैं। एक चीज और, यदि सरसों वगैरह की खली आप इसमें ऐड करते हो और बकरी आपकी पहले से भूसा नहीं खाती रही है, तो ये समझ जाओ कि बकरी फिर खाएगी नहीं। सरसों की खली जो है थोड़ी तीखी होती है, इस वजह से बकरियां खाना कम पसंद करती हैं। लेकिन जैसे जैसे आप उसकी आदत बना लेते हो, रोज उसकी हैबिट में आ जाता है, तो फिर खाने लगेगी। तो इसको हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के नमी कर लेते हैं, थोड़ा सा गीला कर लेते हैं, बहुत अधिक इसको गीला नहीं करना है। यदि आप ज़्यादा गीला कर लोगे तो भी बकरी खाना पसंद नहीं करेगी, तो थोड़ा सा मुलायम हो जाए, इस वजह से हम इसको गीला कर रहे हैं। यदि हम इसको गीला नहीं करेंगे तो बकरी खाएगी नहीं। दूसरी चीज, यदि हम इसमें नमी नहीं करते हैं, बहुत सूखा खिलाते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि बकरियों की मेगनी वगैरह रुकने की समस्या होती है, उनकी जो आंत है वो भर जाती है, ठसा ठस भर गई, फिर हमको एनीमा वगैरह लगाना पड़ता है या उनकी मेगनी सूख जाती है, इस तरह की समस्या हो जाती है। इस वजह से थोड़ा इसमें पानी की मात्रा होनी चाहिए। तो देख सकते हैं ये है चोकर और इसमें आटे की मात्रा भी काफ़ी रहती है। ये देखिए, ये पहली पसंद है चोकर, हमारे इधर आता है, अच्छा चोकर आता है, 1300 रुपये की ये बोरी मिलती है, 50 किलो की, क्योंकि 50 केजी की ये बोरी मिलती है, लेकिन 50 केजी उसमें होता नहीं, लगभग 48 केजी के आसपास रहता है। तो इसमें हमने 2 जो है कटोरा जो है चोकर डाला है, 1 कटोरा इसमें आटा मिलाएंगे, ये देखिए 1 कटोरा हमने इसमें आटा ले लिया है, और इसको बकरियां बड़े चाव से खाएंगी। अभी हम आपको खिलाते हुए दिखाएंगे। यदि आपकी बकरी भी चारा नहीं खाती है, गेहूं का भूसा नहीं खाती है, तो इस तरह से आप खिलाओगे तो बेहतरीन खाएगी, और सुबह की यही मेरी डाइट रहती है बकरियों की। और ये काम रोज का है बकरी पालन में, सुबह जो चारा बनाएंगे हम रोज बनाते हैं बकरियों के लिए, क्योंकि इधर गेहूं के भूसे की अधिकता होती है, गेहूं का ही भूसा होता है, तो फिर यही हमें खिलाना पड़ता है। यदि आपके पास दलहनी चारे मिल जाते हैं तो और बेटर है।
इस तरह से दोनों चारा मिक्स करके लगभग बकरी को आपको देना है। देखिए गेहूं के भूसे में हरा चारा मिक्स करते जा रहे हैं, क्योंकि टब छोटा पड़ जाता है इसलिए इसमें मिक्स करते नहीं बनता है, ये जो ड्रम है इसमें बनेगा नहीं। तो थोड़ा सा गेहूं का भूसा, थोड़ा सा हरा चारा इस तरह से मिक्स करते गए, और ये चार टब जो है हम तैयार करेंगे 40 बकरियों के लिए। वो भी आ गया क्या चारा सुनाने हैं, हटो 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 हटो, अरे हटो हटो, अरे हटो 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 हटो, अभी डाल के आन दो, तो इस तरह से आप लोग देख सकते हो जो किस तरह से बकरियां खाती हैं। ये तरीका मैंने आपको बता दिया गेहूं के भूसे की सानी बना के इस तरह से खिला सकते हो। जानकारी आप लोगों को ऐसी लगी कमेंट करके बताएं, और यदि वीडियो पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर गोट फार्मिंग से रिलेटेड A to Z जानकारी जो है मिलती रहती है। चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों से विदा लेते हैं। बाय बाय, हैव गुड डे, थैंक यू।